जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा बच्चों 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के का ये जो है मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो परीक्षा जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, जो है पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा, समय आपको 3 घंटे मिलेंगे और बच्चों सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है और सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए और सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस यानी मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है। ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार की रक्षा के लिए हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1920 ईस्वी में, कह रहा हूँ असहयोग आंदोलन का जो है मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट हो जाएगा। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, नेपोलियन का संबंध जो है संबंध किस देश से था, तो बच्चों फ्रांस था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है, यहीं से संबंध था, नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो बच्चों ये जो है बिस्मार्क की थी, इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है, तो भारत में जो जनगणना होती है 10 वर्ष के पश्चात होती है, सही जवाब इसका 2 हो जाएगा। बच्चों करो या मरो का नारा किसने दिया था, बहुत सरला है, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, इसका सही जवाब जो है 4 हो जाएगा। अब हम लोग अतिलघुत्री क्वेश्चन के बाद में बात करेंगे। अतिलघुत्री क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी। बच्चों यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। यंग इटली एक संस्था है। यंग इटली क्या है, एक संस्था है। इसकी स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के मार्सलीज नामक नगर में जो है किया था। यानी यंग इटली एक संस्था है, इसकी स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के जो है मार्सलीज नामक नगर में किया था। अगला ऑप्शन देखेंगे बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन जो है कब और क्यों वापस लिया गया, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर 8 देखेंगे हम लोग। असहयोग आंदोलन, देखो बच्चों असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो है शुभारंभ किया था। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था 1920 ईस्वी में, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया था। लेकिन बच्चों सन 1922 ईस्वी में, उसका कब, सन 1922 ईस्वी में गोरखपुर क्या है बच्चों, उत्तर प्रदेश का ये जिला है गोरखपुर, गोरखपुर के चौरी चौरा, देखो यहाँ चौ चौ 2 बार आया है और यहाँ भी 2 2 बार आया है, तो चौरी चौरा कांड ऐसे पूछ सकता है 1 नंबरी में, तो आप क्या बताएंगे बच्चों 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे इंडिया के, ये जो है थाने में आग लगा दी, जिससे 18 या 22 जो है पुलिसकर्मी क्या हो गए, मर गए। इसलिए जो है गांधी जी ने इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेंगे हम लोग, लघुत्तरी क्वेश्चन प्रश्नों को देख लेंगे। देखो एक क्वेश्चन है कि समूह 77 क्या है, समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की। ये लघुत्तरी क्वेश्चन है। देखो बच्चों समूह जो 77 है, देखो विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है, यानी समूह 77 क्या है, ये जो है विश्व के विकासशील, बच्चों जो विकास नहीं किए हैं, यानी विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है बच्चों, यानी यह जो संगठन है समूह 77, यह संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा जो है कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के लिए बच्चों ये जो है क्या है, अत्यधिक जो है मजबूत है, विकासशील देशों के लिए अत्यधिक मजबूत है बच्चों, यही है समूह 77, यानी जो है एक विकासशील देशों का एक जो है क्या है, संगठन है। देखो बच्चों उसके बाद विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये सब लघु उत्तरी क्वेश्चन थे।
आप विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे। लोकतंत्र के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए, बहुत सरल है। लोकतंत्र के गुण क्या है, दोष क्या है, उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर बार आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है उदय के क्या कारण थे। उसके बाद भारत में संचार, ये भी सरल है, संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। संचार बच्चों समझ रहे हो, जैसे टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, यानी तो है समाचार पत्र हो गया और पेपर वगैरह जो न्यूज़ पेपर है, ये सब संचार क्या है बच्चों, साधन। संचार माने होता है फैलाव, संचार माने क्या होता है बच्चों, फैलाव होता है। रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब सभी जो है संचार के जो है साधन है। तो आप लोग ऐसे बना के लिखेंगे तो आपको बच्चों पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन को छोड़िए ना, ये सब क्वेश्चनों को पूरा नंबर मिलेगा। जितने मतलब 200 शब्दों में या 250 शब्दों में आप जरूर लिखिए विस्तृत उत्तरी क्वेश्चनों को, अथवा करके देखा चाहे इसको लिखे हो चाहे इसको बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद मानचित्र संबंधी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे मानचित्र। जैसे वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, तो वह स्थान कौन सा जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, तो बच्चों इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, या उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग इंडिया में नक्शा देखिए, उसके बाद में कहाँ उत्तर प्रदेश है। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद हुए थे कहाँ हुए थे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जहाँ सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भारत की राजधानी है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो, चाहे जो है सुप्रीम कोर्ट का हो, या उच्चतम न्यायालय, तीनों एक ही चीज़ें हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। वह स्थान जहाँ सोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी बच्चों, ये जो है न्यूयॉर्क में हुई थी। उसके बाद स्थान जहाँ लाल किला स्थित है, तो लाल किला कहाँ है, नई दिल्ली में। दिल लाल होता है, दिल कैसा होता है, लाल होता है, दिल से हो जाएगा दिल्ली, लाल से हो जाएगा लाल किला। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है कहाँ है, दिल्ली में है। तो आप दिखा दीजिए इंडिया का नक्शा बना के, दिल्ली देखिए कहाँ पर है। वह स्थान जहाँ ताजमहल है, ताजमहल कहाँ है, ये जो है आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ है बच्चों, ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप देखो खंड खा से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खंड खा यानी का और खा, खंड का और खा दोनों करना है क्वेश्चन। देखो खंड खा से हम लोग कुछ बायोग्राफी क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे विशाल केंद्र जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ बच्चों, तमिलनाडु, जिसकी राजधानी कहाँ है, चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम चलाया गया, तो बच्चों जो है 2005 में। इसका सही जवाब जो है हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा 2005 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर राष्ट्रीय पार्क यानी सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है सुंदरवन, असम, उड़ीसा, उसके बाद में है पश्चिम बंगाल बच्चों, उसके बाद में मध्य प्रदेश। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, देखो रेशा जिसमें रेशा होता है, जूट, काफ़ी, जौ, रबड़, तो इसको बच्चों हो जाएगा जूट हो जाएगा। जूट को ये अंग्रेजी है, हिंदी जो है पटसन होता है, पास है पटसन, पास है पश्चिम बंगाल, पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाता है, पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी, यानी कपास जो है किस मिट्टी में सर्वाधिक होता है। तो एकदम टेक्निक से है, कासे कपास कासे काली मिट्टी, ये गुजरात वगैरह में कपास ज़्यादा होता है, भारत के गुजरात राज्य में ज़्यादा होता है। तो बच्चों कासे कपास और कासे काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जायद की फसल है, चावल, मक्का, तरबूज, बाजरा, तो जायद की फसल बच्चों इसमें हो जाएगा तरबूज हो जाएगा, क्योंकि अगर तरबूज मिल जाए तो हम लोग ज़्यादा खाते हैं भाई, तरबूज मिल जाए, खरबूजा मिल जाए, खरबूजा कहते हैं गांव में, खरबूजा तरबूज कहते हैं, तरबूज अगर मिल जाए तो हम लोग थोड़ा नहीं खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो ज़्यादा से हो जाएगा जायद। तरबूज कौन सी फसल है, जायद की फसल है। अब हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन दो विधियों की जो है व्याख्या कीजिए। तो मृदा अपरदन यानी जो मृदा जो कटाव होता है कैसे नियंत्रित किया जा सकता है बच्चों, तो नंबर एक हम लोग लिखेंगे यानी जो है वृक्ष लगाकर हम लोग रोक सकते हैं, और उसके बाद में वनों की रक्षा करके, जो वन है वनों की रक्षा करके जो है हम लोग मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं। जो वृक्ष वगैरह होते हैं मिट्टी को बाधे रहते हैं, जो वृक्ष वगैरह बच्चों क्या होते हैं, अपनी जड़ों द्वारा जो है मिट्टी को बाधे रहते हैं, इसलिए मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है। बारिश होने से मिट्टी बहती नहीं है, जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं, और वन लगाइए अत्यधिक और वृक्ष को जो है बचाइए। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 23 है, पारिस्थितिकी तंत्र को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। आइए पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है। देखो बच्चों, वह इकाई जिसमें सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं, वह इकाई जिसमें सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं अर्थात क्षेत्र के सामुदायिक जीव परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तथा अपने भौतिक वातावरण से भी अंतःक्रिया करते हैं बच्चों, जिससे जो है ऊर्जा का प्रवाह निरंतर जो है क्या होता है, चलता रहता है। इससे क्या होता है, जैव जगत व भौतिक जगत में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसी को कहते हैं बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, आप लोग लघु उत्तरी क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिसे मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। बहुत सरल है, मानव विकास करना है तो साक्षरता क्यों है बच्चों। यदि अत्यधिक लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो जानकार होंगे कि नहीं, तो अत्यधिक लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी जो है मानव का विकास हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बना के लिख सकते हैं। उसके बाद बांगर और खादर मृदा में अंतर लिखिए। बांगर जो पुरानी मिट्टी होती है, जड़ों मिट्टी, उसे बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी बनती है मैदानी भागों में नदियों द्वारा, उसे जो है खादर कहते हैं। पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर मृदा कहते हैं। उसके बाद बच्चों, जल संरक्षण के लिए अपनाए गए किन्हीं चार उपायों का वर्णन कीजिए, यानी जो है जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों जल का संरक्षण के लिए हम लोग क्या सकते हैं, वृक्ष लगाएंगे, उसके अलावा में नदियों में बांध बनाएंगे, पानी इकट्ठा करने बांध बना के हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं, और पानी को कम खर्चा करना चाहिए। कम खर्चा से भी इससे भी हो सकता है जल का संरक्षण हो सकता है, यानी अत्यधिक पानी ना खर्चा करें, पानी को कम खर्चा करें। तो ये क्वेश्चन आप बहुत सलाह है, इसको कर सकते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरी है, बहुउद्देशी परियोजनाएं से होने वाले प्रमुख लाभों का उल्लेख कीजिए, अथवा करके देखें बच्चों भारतीय किसानों कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार किस प्रकार सहायता कर रही है, स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। उसके बाद में भारत में बाघों की जनसंख्या क्यों कम हो जा रही है, इससे नियंत्रित करने के लिए अभी तक कौन से कदम उठाए गए, बाघों की जनसंख्या का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो बच्चों ये थे हाई स्कूल वाले के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर का संपूर्ण हल।